एक मुबारक मौके पर एक अजीमोस्तान शख्सियत। बता दें कि लगातार अंदर भीड़ बढ़ती चली जा रही है हमजा चिश्ती बाबा की दरगाह के अंदर, और 549वां उर्स मुबारक का मेला। देखिए चिश्ती बाबा के मेले में हम आ गए हैं शाम के समय में, रात के समय में हम आ गए हैं यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं भीड़ इस प्रकार की यहाँ पे लग गई है, भीड़ यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 फूड मिल रहा है और रोल बना रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे देखिए लेडीज कॉस्मेटिक यहाँ पे सामान बिक रहे हैं। नंबर 2 का दे रहे, नंबर 1 का। आपका एक बयान अभी आ रहा था। बता दें कि लगातार भीड़ यहाँ पे एकत्रित हो रही है और प्रशासन की अच्छी की गई है यहाँ पे। दिनों में आज के डेट में 9 विधानसभा, 2 लोकसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर तो आप जो मार्ग देख पा रहे हैं सेंट पैट्रिक वाला मार्ग है, सीधे सेंट पैट्रिक है। तो अभी हम चलते हैं हंजा चिश्ती दरगाह के पास, वहाँ से पूरा व्यू दिखाते हैं। तो बता दें मेले में काफी भीड़ है, यहाँ पे देखो पराठा बन रहा है, पराठा बना रहे हैं भाई। ये जो भूल किया था कुछ भूल, यहाँ पराठा मिल रहा है, हलवा मिल रहा है। तो मेले में काफी भीड़ है। आशीष का फोन नहीं है। राजा पागल है, पता ही ना करो यार, आशीष देख रहे हो ना, जाओ यार। तो बता दें कि यहाँ हलवा पराठा दोनों मिल रहा है और काफी फेमस है, और इस मेले का बता दें कि मान्यता काफी ज्यादा है। बता दें मेले में काफी भीड़ भी हो चुकी है, रात का हो गया है, रात में काफी भीड़ यहाँ पे हो गई है। और यहाँ मिल रहा है लगातार भाई साहब। और बता दें कि मेले में काफी भीड़ भी हो गई है और यहाँ पे गुब्बारा बच्चों का मिल रहा है। बता दें देखिए यहाँ पेस्ट्री उस्ट्री मिल रहा है मेले में, और लेडीज पर्स मिल रहा है। लेडीज पर्स कितने का भाई? पर्स 200 रुपये सेल है भाई, कोई भी ले ले, कोई 200 रुपये। बता दें 200 रुपये में लेडीज पर्स काफी मतलब कम रेट में मिल रहा है, और देखिए काफी फैंसी भी हैं जो भाई दिखा रहे हैं। कहाँ का है भाई ये पर्स, बताएंगे कहाँ का है? मुंबई, आमची मुंबई। चलो जय महाराष्ट्र। तो बता दें कि मुंबई का ये माल बिक रहा है, यहाँ पे देखिए भाई भी हैं, चेटी बेच रहे हैं। तो बता दें कि इस मेले में चिश्ती बाबा के मेले में देखिए भाई साहब भी देखिए आ गए, आप लोग देखे होंगे सराय खाजे के मेले में देखिए लगाए हुए थे स्टॉल, यहाँ पे भी इनका स्टॉल लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो सभी को स्टॉल लगना चाहिए और यहाँ पे सभी को कमाने खाने के लिए एक सोर्स होना भी चाहिए। इस मेले में देखिए भीड़ लगातार बढ़ रही है। हमजा चिश्ती बाबा का 549वां उर्स मुबारक मेला है। अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। तो देखिए मेले में लगातार भीड़ हो रही है। उधर झूला भी झुलाया, बच्चों ने झूला भी लगा हुआ है। मिठाई को सजाया गया है, इधर देखिए पूरा मेवा सजाया गया है, मिठाई काफी मतलब अच्छी मतलब तरीके से। ये हलवा है और ये पराठा है,
और ये भी मिठाई है, खोए का मिठाई है। कहाँ का है भाई ये पराठा? आजमगढ़ का मशहूर हलवा और पराठा। बता दें कि 200 रुपए में पूरा ये आपको पराठा पूरा मिल जाएगा। ये हलवा भैया रंगीन वाला हलवा कैसे है, कैसे किलो है? 160 रुपये किलो, दोनों एक ही प्राइस है। ओके, बता दें कि 160 रुपये किलो। काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे लगातार हो रही है, जैसे जैसे रात हो रहा है यहाँ पे भीड़ होती जा रही है। चलिए हम चलते हैं आगे, आगे से पूरा व्यू दिखाते हैं। हमजा चिश्ती बाबा 549वां उर्स मुबारक, इस मेले में आए हुए सभी का स्वागत है। और चलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भीड़ की संख्या काफी ज्यादा हो जा रही है। दरगाह के ठीक बाहर भीड़ देख पा रहे हो, किस प्रकार की है दरगाह के बाहर का व्यू। दुकानों पर भी भीड़ नजर आ रही होगी आपको। यहाँ देखिए बच्चों के खिलौने के लिए भी यहाँ पे भीड़ लग रही है, बच्चों के खिलौने भी यहाँ पे देखिए भाई साहब बेच रहे हैं, मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, इनके मेहनत को सलाम है। बता दें कि यहाँ पे गड्ढा भी दिख रहा है, बताइए इस मेले में गड्ढा भी दिख रहा है। चलिए इसका सुरक्षा करना चाहिए, इसमें पत्थर उत्थर लगाना चाहिए। हम विकास कराए, मुबारक मौके पर जो पूरे भारत में तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए, प्रसाद और माला फूल दिया जा रहा है अंदर चढ़ाने के लिए, चिश्ती बाबा को चढ़ाने के लिए। और चादर भी अगर चढ़ाना चाह रहे हैं चादर भी चढ़ा सकते हैं। तो अंदर काफ़ी भीड़ लगी है, देखिए यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा है। तो भैया कितने का प्रसाद दे रहे हैं, कितने रुपए का पूरा कितने का प्रसाद है? 20 रुपए का है। क्या क्या रहेगा 20 रुपए में? अच्छा मीठा के साथ 40 रुपये। देखिए भैया 40 रुपये में दे रहे हैं पूरा, और काफ़ी कम रेट में दे रहे हैं, समझ लीजिए कलर के से महंगाई को देखते हुए काफ़ी कम रेटों में देखिए चढ़ाने। हाँ हम समझिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि काफ़ी कम रेट में देखिए माला फूल यहाँ पे मिल रहा है बाबा को चढ़ाने के लिए, और लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। चिश्ती बाबा की दरगाह ठीक बाहर है, और लगातार भीड़ देखिए अंदर आ रही है दर्शन के लिए, बाबा का दर्शन पाने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। तो 549वां उर्स मुबारक। पहली शख्सियत मैंने ऐसी देखी, कई चुनाव मैंने देखा, मैं बड़ी सक्रिय तरीके से चुनाव हुआ। पहले ऐसे नेता हमको मिले जिन्होंने दो महीना गली गली पूछे पूछे गली मोहल्ले मोहल्ले खेत से लेकर खलिहान तक लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी सोच का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अच्छा हमदा जितनी रहमती ला रहे थे, बता दें काफी भीड़ है अंदर दरगाह के अंदर, इसलिए अंदर भीड़ में जा नहीं पा रहे हैं। हमारे नेता और अंदर अलाउ भी नहीं है वीडियो बनाना। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और चलिए हम चलते हैं बाहर। हमारे बीच में मरकजी सीनियर कमेटी के दर्द, बता दें कि लगातार अंदर भीड़ बढ़ती चली जा रही है हमजा चिश्ती बाबा की दरगाह के अंदर। और 549वां उर्स मुबारक का मेला, चलिए चलते हैं बाहर। और अंदर तो काफ़ी भीड़ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमजा चिश्ती बाबा की दरगाह का लाइव वीडियो आपको रात्रि का दिखा रहे हैं। बता रहे कि उस लाइन का आप देख पा रहे होंगे, उधर का देखे होंगे, अब इधर का हम दिखा रहे हैं, इस लाइन का अलग है मिला है। यहाँ देखिए मिठाई उठाई मिल रहा है, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, देखिए काफ़ी दुकानें भी लगी हुई हैं। तो बताते हैं कि काफ़ी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबा को चढ़ाने के लिए यहाँ पे चादर और माला फूल, कितने के दे रहे हैं भाई, कितने का दे रहे हैं? 100 रुपए का माला फूल अगरबत्ती चादर सब दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कम रेट में? हाँ सबसे सस्ता रेट यही दिन मिलता है। अच्छा अच्छा, तो बता दें कम रेट में ये देखिए बाबा को चढ़ाने के लिए चादर और माला फूल, जो कि
इनको काफी मतलब प्रिय है गुलाब का फूल, तो इनको चढ़ाने के लिए आपको मिल जाएगा 100 रुपए का पूरा एक सेट। तो चलिए इधर आपका भीड़ दिखा दीजिए, कितनी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे, सभी लोग अपना दुकान लगाए हुए हैं, कोई पकौड़ी कोई माला फूल कुछ भी बेच ले रहे हैं। तो पकौड़ी कैसे है? 50 रुपए पाव। 50 रुपए पाव। तो कई साल से लगाओ तू दुकान? ये हम लगा रहे हैं 40 साल से। 40 साल से लगा, 40 साल की उम्र हो गई हमारी। अच्छा, तो बता देंगे 40 वर्ष से ये लगा रहे हैं दुकान यहाँ पे, बस पकौड़ी बनाते हैं और कुछ नहीं, प्याज की। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बता दें कि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है मेले में, और लोग मेले में एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं लगातार। और बच्चों के देखिए यहाँ पे खिलौने मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अंगूठी मिल रहा है, सभी लोग अपना दुकान लगाए हुए हैं। उधर देखिए बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए पूरा लगा हुआ है सिस्टम। यहाँ पे भी देखिए हलवा और पराठा मिल रहा है, हलवा पराठा यहाँ पे भी बेच रहे हैं। देखिए आजमगढ़, देखिए सभी लोग आजमगढ़ से आए हैं, मतलब जो भी आपको हलवा और पराठा जो दिख रहा होगा, बहराइच से हैं, गोंडा के पास बहराइच। तो बता दें कि बहराइच से चल कर आए हैं, तो कितने साल से आ रहे हैं? 3-4 साल से आ रहे हैं। 3-4 साल से लगा रहे हैं, बता दें 3-4 साल से देखिए बहराइच से आ रहे हैं। उधर उस लाइन देखे हूँ, उधर आजमगढ़ से काफी लोग आए हैं, लेकिन ये भाई सब आए हैं बहराइच से बना रहे हैं। कितना टाइम लगता है भाई बनाने में? 5 मिनट में बन जाता है पूरा, 5 मिनट पूरा रेडी, 5 मिनट पूरा रेडी। देखिए ये भी आए हैं भाई साहब, सभी लोग मतलब एंजॉय कर रहे हैं मेले में। तो मेले में देखिए लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे देखिए सेल्फी सेल्फी वाला भी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखिए सेल्फी वाला भी हिसाब किताब यहाँ पे है, अभी सेट कर रहे हैं। तो भैया है कितने में आप घुमा रहे हैं सेल्फी? कितना देर? 30 रुपया। अरे 30 रुपया कितने देर के लिए? एक रील बनता है बस। अच्छा रील बन जाएगा, वायरल हो या ना हो बता दे कि एक रील बन जाएगा, वायरल हो या ना हो लेकिन एक रील आपका बन जाएगा पूरा रेडी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था है, यहाँ पे देखिए बच्चों के कार भी झुलाए जा रहे हैं, बच्चों के कार का देखिए कुछ लोग रो रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे रो रहे हैं, ये देखिए कैसे रो रहे हैं, तो कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ बच्चे डर जा रहे हैं इसलिए रो रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए जंपिंग वाला भी भीड़ का, आप मेले का नज़ारा देख पा रहे होंगे यहाँ से किस प्रकार का है। देखिए काफ़ी भीड़ इस मेले में हो रही है और बच्चे लोग रो भी रहे हैं, झूला भी झूल रहे हैं और रो भी रहे हैं, ठीक है कुछ लोग रो रहे हैं कुछ लोग मज़ा ले रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जंपिंग वाला भी बच्चे लोग यहाँ पे झूल रहे हैं, बड़ा भी झूला लगा हुआ है, बड़ा छोटा दोनों झूला लगा हुआ है, देखिए 3-3 झूले लगे हुए यहाँ पे। देखिए झूले का आनंद यहाँ पे लोग ले रहे हैं, तो चिश्ती बाबा के उस मुबारक मेले में ये आए हैं। तो बता दें कि इस झूले में झूलने के लिए देखिए काफ़ी भीड़ यहाँ पे हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस झूले में झूलने के लिए नाव वाला झूला है, तो नाव वाले झूला में झूलने के लिए देखिए किस प्रकार की भीड़। तो देख पा रहे हो किस प्रकार की भीड़ यहाँ पे, तो बता दें कि ये बड़ा वाला झूला है, तो बच्चे लोग देखिए मजा ले रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और काफी तेज देखिए झूला रहे हैं, 20 राउंड 20 रुपए में 20 राउंड। कोई चिल्ला रहा कोई रो रहा है,
कोई इसका सीमा नहीं है, देख रहे हैं चक्कर आ रहा है, किसी को चक्कर भी आ जाता है। तो देखिए बच्चे लोग झूल रहे हैं झूला, कोई रो रहा है, कोई मजा ले रहा है। ये देखिए बता दें यहाँ पे जो लकी वाला नंबर है वो आए हैं, लोग देखिए खेल रहे हैं। तो कितने का बता रहे हैं भाई आप? अच्छा 10 रुपये। हाँ बोला डबल डबल हो जा रहा है, देखिए डबल हो जा रहा है। तो देख रहे हैं बच्चे लोग ये लगातार, देख रहे हैं लगातार झूला यहाँ पे चालू है। तो 20 रुपए में 20 राउंड, 20 रुपए में 20 राउंड। तो चलिए साथियों एक प्यारा सा वीडियो आप सभी को हमजा चिश्ती बाबा की दरगाह से दिखाने का प्रयास किए हैं, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा 549वां उस मुबारक के मेले पर। आज हम देखिए हमजा चिश्ती बाबा की दरगाह से पूरा वीडियो आप सभी को दिखाए हैं, और ये देखिए मिक्की माउस वाला झूला है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।